तो आपने शुरू करा जर्नी, चल रहे हैं गांव अपने, तो आपको दिखा दूं पहले पूरी गाड़ी ख्याल आते साफ सफाई कर ली। मैं कभी टिप शेयर करूंगा कैसे इसका गाड़ी तैयारी करते गांव जाने से पहले। पीछे का आपको सामान पूरा भर दिया है, ये मंदिर में आरती शुरू हो गई है, ये सामान भर गया है। अभी अपने रोड पर निकलता हूँ, मैं आपको पूरा रास्ता दिखाता हूँ। मैं ठीक है, चलो बढ़िया सब बढ़िया, हम निकल रहे हैं। तो अभी हम लोग शुरू कर रहे हैं अपनी जर्नी। तो अभी देखो रोड पर आ गए, घर पिछले था कि मंदिर में घंटी बजने की आवाज़ नहीं आने वाली है। अपनी एच आई डी फुल फॉर्म में इसका वीडियो शेयर करूँगा मैं, ठीक है। स्टेशन का कंपेयर भी किया है थोड़ा इसको, आपको पहले अपनी हालत दिखा दे गाड़ी की। मैं तो हम तीन जन हैं, मेरा भाई ने पीछे एक और बैठा है, और ये देखो सामान एक्चुअल में पूरी भर रही है। तो बस थार में ही तकलीफ, सामान रखने की बात जगह नहीं बचती इसमें। आप बोलो सात जन को लेकर ट्रैवल कर लेंगे, छः लोगों को मुश्किल है, दो लोग तीन लोग बहुत है, और सब जेंट्स लेडीज़ के लिए तो बहुत तकलीफ है, ठीक है। इसमें करेंगे पूरी जर्नी, और मैं आपको साथ शेयर करने जाऊँगा। हम लोग राजस्थान होकर जाएंगे इस बार, कोटा होकर, इंदौर नहीं जाने वाले, ठीक है। बने रहे वीडियो में, चीज़ें शेयर करता रहता हूँ आपके साथ। तो अभी हम लोग ये जो चालू जो हिम्मत नगर जाता है, हाईवे नंबर 48 हो गया, पहले 8 था ये रास्ता, सर्कल बुढ़ोरी रोड सर्कल से मिलता है। अब यहीं से अपने कट जाएंगे राइट साइड। तो अब जो थोड़ा एलईडी का वो जो क्या एच आई डी का वो फोकस देख लो, बढ़िया है। अभी मैंने फोक लैम्प नहीं चालू की, जरूरत नहीं फोक लैम्प के लिए, कहीं फोक एरिया पड़ेगा तो वहाँ करेंगे इसको चालू। बन गया उसके साइड से, अभी लाइटिंग तो रहेगी, यहाँ थोड़ा बाहर निकलेंगे तो लाइटिंग बंद हो जाएगी, फिर मैं बताता हूँ उसका शूट करते हैं इसके आगे। ठीक है, तो ये हम चल रहे हैं अपने जो हाईवे नंबर 48 है, अभी इसका काम चल रहा है। मोड़ा सा वाला लोग रास्ता ले लेते हैं, लेकिन इसमें क्या कहीं कहीं अभी हिम्मत नगर तक ये रास्ता काम कर रहा है, काम चल रहा है पुलिया का सब का, तभी तो यहाँ तक ठीक है, चिलोड़ा तक उसके आगे बाद में प्रॉब्लम आएगी। तो अभी आप ये देख लो, यही मैं बोला था, जैसे अभी देखो काम चल रहा है रोड पे, जो बाइक डाइवर्जन देना मतलब बाईपास नीचे से लोग निकल जाए, पुलिया का काम चल रहा है हर जगह, इसलिए इसको कई बार गूगल मैप नहीं दिखाता है, या फिर वो ड्राइवर दिखाएगा कि रोड बंद है। अब ये काम चला, काफ़ी दिन से चल रहा, लॉकडाउन के पहले भी मैं आया था अपने थार का वो लेने, वो भी MMI टाके लेने आया था, तो इसके हिसाब से देखो काम चल रहा है। ये बन जाएगा ना तब एकदम जोरदार हो जाएगा, जैसा अभी स्टार्टिंग में था, चिलोड़ा सर्कल तक है, अभी ऐसा हिम्मत नगर तक रहेगा, सामाजी चेक पोस्ट तक जाएगा। जो लोग सामाजी चेक पोस्ट के बारे में जानते होंगे, यहाँ से होंगे गुजरात और महाराष्ट्र, उसका राजस्थान के बॉर्डर है चेक पोस्ट, वहाँ तक ये रास्ता का काम चल रहा है, उसके आगे का काम हो चुका है, ठीक है। तो ये थोड़ा स्पीड थोड़ी स्लो रहेगी, क्योंकि देखो पतला सा रास्ता है, इसी से निकलना है। तो ये लोग हम लोग हिम्मत नगर के आगे थोड़ा चामराजी चेक पोस्ट के पास खड़े हैं, दिन हो गया है, जुगाड़ में फिर वही सेम चीज़ करनी पड़ी, वही वाइब्रेट मार रही थी तो ये जूते भर दिए साइड से। तो ये क्या हो जाएगा, ये सौर पैनल ले जा रहे हैं, अभी आपको दिखेगा अंदर सामान कितना वहाँ है, देख रहे हो। इस बार तो कम कर दिया, ठंडी में ज़्यादा था, पानी की बोतलें सब पड़ी हैं। तो पूरी जर्नी आपके साथ शेयर करूँगा, बने रहा वीडियो में, कुछ चीज़ें मिलेंगी मज़ेदार तो आपके साथ शेयर करूँगा, ठीक है। आपको अगर ऐसा जैसे टिप क्या चाहिए गाड़ी लॉन्ग ट्रिप पे जाए तो क्या क्या तैयारी करनी पड़ती है, अगर उसकी चाहिए तो आप कमेंट करना, उसको बनाएंगे वीडियो अपने, टाइम मिले से नहीं बना पाया, ठीक है, मिलते अपने आगे। राजस्थान लग जाएगा इस बार, हम लोग गुजरात में वैसे पार कर रहे हैं अपने,
देखो निशान भी हो, मंडप लगाया हुआ है, लिखा है स्वागतम राजस्थान में, ठीक है, हीरो की भूमि है। तो अपने चेक पोस्ट पार कर रहे हैं, क्या भाई हो गया यहाँ से राजस्थान गुजरात खत्म। अभी तक दो टोल कटे हैं, अच्छे टोल कम टोल थे, अब टोल सबसे ज़्यादा यूपी में ही है और सबसे ज़्यादा पैसे भी दूरी है कटते हैं। तो ट्रक की लाइन थी सब छोटे साथ थे, सीधे निकल गए। प्राइवेट गाड़ियों के जाके वो क्लियरेंस लेनी पड़ती है, अपने को प्राइवेट गाड़ियों को जाने देते, अपनी प्राइवेट गाड़ी है वाइट नंबर प्लेट वाली। अभी अपने पास करके चले गए और ये इलाका पहाड़ों का इलाका है, थार का पहला भाई कमांडर जा रही है, देखो कैसे इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं लोग, इसके लिए पावर कहते हैं थार का जो पावर, इसलिए ये इसका छोटा भाई है। ये हम लोग उदयपुर में घुस रहे हैं, देखो मीनार इसकी निशानी है। राजस्थान में आपको ऐसा बहुत मिलेगा क्योंकि यहाँ पे फोर्ट मतलब जितने भी महल बहुत ज़्यादा है, ठीक है, आप घूमने आ सकते हो यहाँ पे। ये भी उसका बाईपास लेकर लोग बाहर निकलेंगे, वो अंदर नहीं जाने वाले, ठीक है। उदयपुर पहुँच गए हम, ये हम लोग उदयपुर से निकल गए हैं, चित्तौड़ की तरफ बढ़ रहे हैं। अभी हाईवे नंबर 48 ही चल रहा है, ये हाईवे नंबर 48 अभी आगे जाके कट जाएगा और अपने हाईवे नंबर 27 पकड़ लेंगे, वो चित्तौड़ कोटा होके शिवपुरी होके झांसी जाएगा, ठीक है। और गर्मी बहुत ज़्यादा है, काफ़ी टेम्परेचर है, इधर दिखा दे, मैं देखो जुगाड़ लगाया है, ऐसे जुगाड़ करके चलना पड़ता है, गर्मी काफ़ी ज़्यादा है, पहाड़ भी बहुत ज़्यादा है। ये आ गया अपना हाईवे नंबर 27, ये दो लेन ही रहेगा, 3 लेन नहीं था, वो जयपुर वाला रास्ता निकल गया, वो दिल्ली जाएगा जयपुर। हाईवे नंबर 27 अब सीधे ये अपने वो ले जाएगा कानपुर तक पूरा, उसके आगे तक ही ले जाएगा, ये पूरा यूपी जाता है 27 नंबर का, ठीक है। इसमें ज़्यादा भीड़ नहीं होती है, अपने बस यहाँ से भी चित्तौड़ छोड़ के उसको पकड़ रहे हैं। ये हम लोग रुके हैं कोटा वाले रास्ते पे, एक आम का पेड़ मिल गया है, फरा भी है आम, अंदर आम भी आए हुए हैं। तभी क्या थोड़ा गाड़ी थोड़ी रख देते हैं 10-15 मिनट कंटिन्यू, हम लोग 2.5-3 घंटे के ऊपर चल रहे थे, बोला रख देंगे गाड़ी थोड़ी ठंडा जाए, एसी का पानी गिर रहा है, तो 15-20 मिनट थोड़ा ठंडा जाएगी गाड़ी, फिर निकलेंगे हम लोग यहाँ से, तब तक पानी वो नहीं हो रहा है। क्या नज़ारा है देखो, पानी मेरा भरोसा पूरा, इधर मस्त थोड़ी देर छाए मस्त है, थोड़ा शरीर को भी आराम ले लेते हैं फिर चलते हैं। अभी बोरा कितना 12:30 हो रहा है ना, 12:30 बज रहा है। ये अपने कोटा बाईपास से निकल, देखो ये जो उसका हैंगिंग ब्रिज है वो रहा, इसका टोल अलग से लगता है लेकिन बहुत मस्त है। साइड व्यू आपको दिखाने चाहता है लेकिन साइड व्यू उसका बहुत जोरदार है, जो दूर से दिखता है, लेकिन देखो आप दिख रहा है। अभी रात में पड़ा था, ये नहीं शूट कर पाया था, ये सब इन्जॉय करने के लिए देखने के लिए उतरे सब, जितने बच्चे उतरे ये बच्चे उतरे टाटा कर रहे हैं, हमारी गुजरात की गाड़ी है। अभी देखो ये थोड़ा हैंगिंग ब्रिज इसको देखने के लिए लोग उतर रहे हैं, काफ़ी लोग फोटो सेशन भी कर रहे हैं इसके ऊपर, अच्छी चीज दिखती है, जोरदार चीज है। अभी बाइक लोग बीच में खड़ी है और कार से देखो वो रैया में उतर का तो तैर रहे हैं, तैर रहे हैं, ये खत्म हो गया है। ये कोटा का बाईपास है, ये कोटा के बाहर निकल गए, कोटा के बाहर 12 घर पड़ रहे हैं, बस बचा है 10-12 किलोमीटर बचा है, फिर इसके बाद शिवपुरी आएगा, शिवपुरी भी टाइम है, रात हो जाएगी शिवपुरी आते आते। अभी शाम के 4 बज रहे हैं, गर्मी बाहर बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो पूरा नज़ारा देख लो, गेहूँ की खेती कटी है यहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने पेट्रोल रिफिल करवाया, देखो अभी 51 लीटर आया है, मैं वहाँ भराया था 50 लीटर, तो चलिए 677 किलोमीटर। तो अभी एवरेज बता दूँ आपको, इसकी एवरेज कितनी निकाल रही है मेरी बना, ठीक है। तो कैलकुलेटर कहाँ चला गया, तो अभी 677 677 बाकी 13.5 की एवरेज आई, बल्कि जब मैं ठंडी में लाया था इसी सेम कुछ था, बस पीछे थोड़ा ट्रैफिक नंडा हुआ था, उधर पर ट्रैफिक था, तो 15-16 के ऊपर एवरेज निकाली थी। और ठीक है, थोड़ा पेट्रोल पंप आउट है इसलिए थोड़ा वो 3-400 का मुझे गड़बड़ है कि जो ऐसे मतलब जो एक्स्ट्रा भरा है पेट्रोल है,
ठीक है, ऐसे हो गया, फिर आराम आराम करते हैं, फिर आगे निकलते हैं। देखो ये अभी सीतपुरी वाला रास्ता है, अभी जंगल में से चल रहे हैं, कोई अभ्यारण का नाम है, तो पूरा लाउ कर दिखा, ये सब जो दिख रहा है पूरा बिगड़ इलाका है, बिगड़ मतलब कि जंगल जैसा है और बहुत शार्प टर्न है इसमें। अभी एक जगह आपको टर्न दिखाऊंगा, बहुत खतरनाक है पहाड़ वाला। अभी अपने रोड के उस वाले जो पहाड़ है उस पर चलेंगे, ये अभी अपने इस पर चल रहे हैं, यहाँ बहुत जोरदार एक शार्प टर्न, बस यही जो अगली बार पत्थर गिरा था ना, अभी अपने बाजू वाले पहाड़ में चले जाएंगे, यही पत्थर गिरा था अगली बार, लैंडस्लाइड हुई थी, बरसात हुई थी रात में, ये वाला इलाका वही है। देखो वो वाले पहाड़ पे रोड है, उस पर अपने घूम के जाना है, रास्ता बहुत शार्प है, ये धीमे चलने का, इसी जगह चलना हो तो आपको धीमे चलने का, बाकी तो आपको उस रोड पर गाड़ियाँ दिख रही है, उसी रोड पर जाना है, घाट काट के बनाया है थोड़ा सा है, लेकिन उदयपुर वाला घाट ज़्यादा बड़ा है, लेकिन ये घाट सबसे ज़्यादा खतरनाक, छोटा है लेकिन क्या ज़्यादा सुनसान आदमी बस्ती नहीं है। पहाड़ ऊपर है ना, वहाँ पे वो रास्ता है, वहाँ पे दिख रहा होगा, क्योंकि गाड़ी दिख नहीं रही है, और अपने बहुत नीचे है, ये रास्ता बहुत नीचे है, यहाँ खाई बहुत जोरदार अंदर है, जो इधर साइड है नीचे खाई बहुत, धीमे चलना चाहिए इस जगह, क्योंकि गाड़ी आ रही है तो अपने सामने दिखाता है रोड को, वो वाले पहाड़ के ऊपर रास्ता हुआ, यही चीज़ें हैं जो अपने को वो करती है, मज़ा दिखाती है गाड़ी से आने में, वो रहा सामने, सूरज है ना देख, ट्रक दिख रहा है इतना ऊपर रास्ता है, इतना ऊपर रास्ता है, हम लोग यहाँ रुके हुए हैं, दिन ढल रहा है, बज रहे हैं 6 और कुछ के ऊपर, अभी ठंडी होती तो रात हो गई होती, ये तो दिन है इसलिए, बाकी थोड़ी बहुत आराम करेंगे अभी निकलेंगे यहाँ से। ये जो नज़ारा है दिल को खुश करने वाला होता है, ये चीज़ मिलती नहीं अपने, पूरा खेती चली, हाँ वो प्याज लोग निकाल रहे हैं, प्याज की खेती यहाँ हुई है। तो ये शिवपुरी वाला बाईपास है जो इधर से रास्ता आता है, दिख रहा ट्रक रहा, वो इंदौर वाला रास्ता, अगली बार हम लोग उधर से आए थे, वहाँ से आए थे, यहाँ साइड से डाइवर्जन लेके ऊपर चढ़े थे, ये देख लो ये वाला रास्ता, ये सीधे अंदर शिवपुरी मंदिर चला जाता है, अपने को जाना है इस साइड, झांसी की साइड, ये रास्ता वो जो एक टीहड़ इलाका है ना वो शुरू होने वाला है, अभ्यारण्य जैसा है, जंगल है पूरा, अभी देखते हैं, अभी नाइट में भी दिक्कत आपको दिखाता हूँ उसका, यही बिहार जो देखो आप रोड पूरा खाली है, आपको सवारी गाड़ियाँ बहुत कम मिलेंगी, पूरा खाली इलाका है, जब पहली बार मैं आया था तो पूरा अंधेरे में पड़ा था, मुझे कुछ दिख नहीं रहा था, खुदे जो पेड़ हैं बीच के बड़े बड़े थे तो अभी काटे गए वाले के, और अंधेरे रात थी, मतलब वो अंधेरा पक चल रहा था, पूरा सुनसान है, कभी शुरुआत से साहब होता है, कोशिश करो कि दिन में कवर करने का कभी, लाइट चालू करनी पड़ेगी अपने को, तो पहले फोन कर लेते हैं फिर हेड लाइट चालू करेंगे, अभी मैं आपको HID का भी दिखाता हूँ रियलिटी कितनी है, चालू ये देखो HID का कमाल, ये जो कैमरे में फोकस आ रहा है सीधे का कैमरा, जो कैमरे में फोकस आ रहा है उससे खतरनाक है ये इसका लो बीम है, अभी रास्ता सीधा हुआ तो मैं उसको हाई बीम आपको दिखा, बहुत अच्छा है व्यू, आप चला सकते हो, तो ये इसका हाई बीम जा रहा है, अभी सामने गाड़ी आ रही थी आपको इतना क्लियर नहीं हुआ, देखो ये रहा इसका हाई बीम, दिख रहा है इतना दूर जा रहा है, ये इसका हाई बीम होगा, LED की तरह नहीं कि बेकार है इसका, इसका LED किससे कंपेयर में ज़्यादा अच्छा है, ठीक है इसको आप प्रीफर कर सकते हो, मैं इसका पूरी डिटेल में वीडियो शेयर करूँगा, ठीक है मैंने इसलिए ही प्लानिंग की थी कि लॉन्ग ट्रिप पे आना था, मेरा इसको इस्तेमाल करेंगे, अगली बार हेलोजन मैंने इस्तेमाल किए थे वो मज़ा नहीं आया था, और फिर जिन लोगों को फोक का प्रॉब्लम है मेरा वो है ही क्या बोलते हैं फोक लैम्प, अभी जैसे पीछे पिलास आपको दिख रही होगी, मेरा फोक लैम्प चालू हो गया तो फोक वो पीला रोशनी मिक्स हो गई तो क्लैरिटी बढ़ जाएगी, ये मैं बंद कर देता हूँ फोक लैम्प, ठीक है और ये लो बीम देता हूँ, जोरदार है, धीरे चलने के लिए आप चलते हो 70-80 तक रात में तो ये बहुत जोरदार यहाँ तक काम करेगी, इतनी तो हाई बीम में लेना पड़ेगा प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है और हाई बीम में भी लेबल कर दूँगा आपको, लेबल अभी थोड़ा नीचे लोगे तो नीचे आ जाएगी हाई बीम, तो हाई बीम चलने के लिए और जोरदार, देखो लो लेबल कर दिया और ज़्यादा जोरदार होगी, ठीक है आँखों में चुभेगी भी नहीं है सर, बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं रखना है, ये इसका HID था, ये हम लोग क्या बोला झांसी कानपुर जो हाईवे उसके रुके हुए हैं, अभी ये टर्न इंडिकेटर है वो बताओ कैसा लग रहा है, ये यार रुके हुए रात हो गई कितना 9:30 बज रहा है, अपने रुकेंगे थोड़ा आराम करोगे 2 घंटे फिर निकलेंगे, अब
तो ये पहला दिन का यहाँ रखते हैं अपने, फिर जो अब आगे का कल शूट करूँगा मैं दिखाऊँगा उसमें अपने मेन फोकस अपना पूर्वांचल एक्सप्रेस को कवर करेंगे। ठीक है, शेयर करूँगा कैसा है वो पूर्वांचल एक्सप्रेस।